बढ़िया लग रहा है यार, ऐसा श्रवणा भवन की तरह है कुछ कुछ। टेस्ट बाय। किसी भी समय कहीं पर भी सांप ने काट लिया तो सबसे पहला काम है हॉस्पिटल में पहुंचना। हिंदी होना चाहिए। जाओ मेरी जान। और ऋषि कपूर मैं हां तुमने कभी किसी से प्यार किया? वाह ये मेरा देखा दोस्तों। अभी हम शनिवार वाड़ा घूम के आ रहे हैं और इसके बाद सीधा हम जाएंगे पुणे के जू में। और अभी जो हम चल रहे हैं ये है केपी। केपी अमीर जादों का एरिया भी बोल सकते हो, बहुत ही रिहायशी एरिया है। बट यार सबसे पहले हम थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, पेट पूजा कर लिया जाए, उसके बाद चलेंगे कृष्णा करके, कृष्णा रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड। ये बहुत पुराना है और राज का ये कहना है कि बहुत ही अच्छा है। बढ़िया लग रहा है यार, ऐसा श्रवणा भवन की तरह है कुछ कुछ यार। मैं क्राउड दिखाता हूँ, बहुत सही है। और ये बहुत ही फेमस है। मैं यार इनका मीनू दिखाता हूँ, मतलब मेरे को तो यार बहुत सस्ता लगा है। और हमने ये क्या क्या मंगाया? सब्जी मंगाई, शाही पनीर, पनीर अंगारा और दाल, बाकी रोटियाँ। टेस्ट बाय। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं पुणे के जू में। और इस जू का नाम क्या है? नहीं नहीं वैसे नॉर्मल नाम क्या है? काथरज। काथरज पुणे का जू। तो अभी चलते हैं। यार यार पुणे में सबसे बड़ी दिक्कत है कि पार्किंग की। भाई जू की पार्किंग है ना? ये बड़ा सही स्कैम है भाई। वो बंदा आया आके मेरे को बोल रहा है इन चार को आपकी गाड़ी को मैं लगा देता हूँ, आप 100 रुपए दो। गाड़ी लगाता मैंने कहा तू लगा, कितनी जल्दी लगाता है देखते हैं, बहुत अंदर लेके जाएगा तुम। स्पेशल गाड़ी लगा भैया। कैसे कैसे? यहीं पे ही इधर इधर लगा। भाई ने हमको 100 रुपए ज़्यादा लेके पार्किंग करवा दिया, तो यहाँ पर अपनी पार्किंग है। तो ये देखो यहीं पे लगा दिया यार गाड़ी, ये सही है। कैसे दे दिए? ठीक है चलो। 15 वाला 20। तो भाई अभी हम जा रहे हैं राजीव गांधी नेशनल जूलॉजिकल पार्क। एक बार था तेरे सासू माँ ने ककड़ी दी थी, कब निकलेगा वो? अरे वो ककड़ी का रायता हो जाएगा, ककड़ी का रायता बनाएगा क्या? बहुत सही भाई, पाव भाजी, पाव भाजी पुणे की। भाई जो पुणे का जू है ना, ये 1953 में बना था, जो कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ पुणे के अंडर में आता है। और ये 7 एकड़ में फैला है भाई। जूलॉजिकल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ रिसर्च सेंटर। अरे तो रिसर्च सेंटर है। चलो भैया तो अभी हम आ चुके हैं जूलॉजिकल पार्क जू देखने के लिए, और टिकटिंग के लिए जाने वाले हैं। जू में जाने से के बाद के टाइम पे ही इन्होंने कैमरे का अलग से टिकट लगता है। ये मेरे को पहली बार दिखा कि भाई कैमरे का अलग से टिकट लग रहा है। तो देखते हैं, राज गया है अभी टिकट लाने के लिए। खर्चा निकालना है। और अगर यार भाई मैं व्यूअर्स को जरूर बता दूं, कैमरे का जो टिकट का खर्चा वो निकालना है। जानवर लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जानवर अगर नहीं रहे तो हम घोड़ा टाइगर गाय भैंस सब बन जाएंगे और वीडियो में रिकॉर्ड कराएंगे। सर कैमरे का ये भाई पता नहीं अभी नया रूल आया है नहीं, आई डोंट नो, बट ये कैमरे का खर्चा निकलना चाहिए। इतना सामान इस जू में होना चाहिए। 1 रुपए पर एनिमल, 1 रुपए पर एनिमल, 50 एनिमल तो भैया दिखने चाहिए। तो यार अभी हम टहल रहे हैं पुणे के जू में, और स्पेशली मैं जू देखने के लिए तो नहीं आया, बट यहाँ बंदर है। अब हाँ बंदरों के लिए ये खाई जरूर बनाई गई है, जिस वजह से कि बंदर शायद से कूद के इधर ना आए। तो शंकर कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुमने कभी सोचा था कि हमारे साथ आप जू में? नहीं नहीं नहीं, ये भी मेरा फर्स्ट टाइम है। इतने साल आप कितने सौभाग्यशाली हो, पहली बार आ रहा हूँ मैं। क्या आपको लगा था कि आप अपने साले साहब के साथ आओगे कभी? नहीं जू में
तो आपका साला कितना सौभाग्य साली है। चलो मजाक तो बहुत हुआ, बट यहाँ पे यार ये लोगों के घर भी हैं ऐसा लग रहा है। मुझे लग नहीं रहा है कि ये बहुत बड़ा होगा, लग नहीं रहा है कि जू बहुत ज़्यादा बड़ा है भाई। अभी तो सिर्फ बंदर ही दिखे थोड़े बहुत, सांप हो काटे का खाली दिखेगा नहीं। ये तो साला यहाँ पे तो कहीं पे भी सांप हो जाएंगे यार। कौन सा सांप? धामण विष बिन विषार। अच्छा इसमें विष नहीं होता क्या? अरे धोड़ा सांप बोलता है वही है हमारे। इनसे पूछते हैं सर कौन सा सांप है ये? नाच मतलब ये जहरीला होता है क्या? बिल्कुल नहीं, नॉन पॉइजनस। अच्छा इसकी कितनी वैरायटी होती है? ये एक वैरायटी है, एक वैरायटी है। 264 वैरायटी इंडिया में होती है। हाँ ये पानी में रहता है क्या? पानी में भी जा सकता है, पानी का सांप नहीं है। पानी का सांप नहीं है। सांप ने अगर काटा तो पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? किसी भी समय कहीं पर भी सांप ने काट लिया तो सबसे पहला काम है हॉस्पिटल में पहुंचना। मान लो हॉस्पिटल बहुत दूर है, ऐसा नहीं कह सकते मरने दीजिए। नहीं वो तो है, खुद से क्या कर सकते, चले जाए। हाँ। और समय ना गवाए कि कौन सा सांप था, जहरीला था कि नहीं। हाँ। कहाँ पर काटा है, कितना काटा है। कोई भी हमारी जो पारंपरिक फर्स्ट एड वो काम नहीं करती है। नहीं करती है। ओके। वो सारी गलत है, उससे ज्यादा तकलीफ बढ़ सकती है। हाँ। इसलिए एक पट्टी बांधते हैं टोनी के, जहाँ पर सांप ने काटा है वहाँ से लेके क्रेप बैंडेज का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पर काटा है वहाँ से एक इंच ऊपर से यहाँ तक ऊपर तक बांधेंगे कसके। ओके। और पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाएंगे, इतना ही कर सकते हैं। वो इसलिए बांधते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जाए या किस वजह से? ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा स्लो हो जाए। अगर रोक देंगे आप और वेनमस नहीं हो जाएगा तो गैंग्रीन सेट हो जाएगा। हाँ। इसलिए ब्लड सर्कुलेशन शुरू रहना चाहिए, इसलिए उसको थोड़ा सा और धीमे कर दें, लूज कर दें। थैंक यू सर। के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर देने के लिए बैठे हुए थे, तो उनसे ये क्वेश्चन पूछा कि अगर सांप काट ले तो क्या करना चाहिए। कि गांव में जैसा होता है ना कि कुछ भी कर लो सांप काटने के बाद, कि किसी झाड़ फूक वाले बाबा चले गए, एक फोटो निकालो इधर बैठा। तो सिंपल सा कहना ये है कि कुछ मत करो, सबसे पहले आप तुम्हारा भी निकाल बंदे को हॉस्पिटल पहुंचाने की जुगाड़ लो, चाहे कैसे भी हो। और उससे पहले आप सिर्फ ये कर सकते हो कि उसको बैंडेज बांध के, जैसा कि वीडियो में उन्होंने बताया, तो ये बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई। हाँ चिंटू क्या बोल रहे हैं? ये जो दो जानवर दिख रहे हैं आपको गेट पे जो खड़े हैं, ये जानवर को यहाँ पुणे में बोलते हैं, इंग्लिश में इसका नाम है नो एंट्री, और जो मराठी में है इसको प्रवेश बंद। ये है ये जानवरों का नाम। मुझे नहीं पता ये कौन सा पेड़ है, अगर आप में से किसी को पता है तो बताओ यार, ये कमेंट करके जरूर बताना क्या चीज है ये। हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। किसी और से पूछता है, आगे है क्या टाइगर? बंद हो गया है लेकिन अभी। टाइगर बंद है भाई, क्या बोला तूने? भाई टाइगर बंद हो गया बोल रहा है। अरे यार सांप की पूंछ ही देख पाया यार इस बार तो। हम दिल बहलाने के लिए गाली भी, ख्याल भी अच्छा वाली बात है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अरे इसमें बैठ जाते हैं, कोई बात नहीं। पता नहीं टाइगर तो मैं देख नहीं पाया। अरे भाई ये मिल गया, यहाँ देखो, रुको ना रुको ना, बहुत सही बहुत सही, बहुत बढ़िया सर। गॉगल चाहिए? हाँ गॉगल से फोटो चाहिए। ये मेरे YouTube चैनल के लिए स्पेशल है ये। थोड़ा आवाज बढ़ाइए, थोड़ा आवाज। तो भाई ये भाई यंग लोगों के लिए है, यहाँ पे लाइव परफॉर्म कर रहे थे, बहुत सही। चांद मेरा दिल, ओए होए, चांदनी हो तुम, वाह,
चांद से है चांदनी कहा बहुत सही आना ये तुमको जा रहे हो जाओ मेरी जान वाह जाओ मेरी जान जाओ मेरी जान बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ये गाना आपके लिए गा करूंगा एक ये गाना आपके लिए गाएंगे ना हमारे लिए गाएंगे आपके लिए मेरे लिए डेडिकेट लिए गाना गा रहे हैं कॉर्पोरेशन का झाड़ू वाला हूँ हाय हाय एक सफाई कर्मचारी हूँ ध्यान रखना और आपके लिए गाना गाऊंगा बिल्कुल ये लास्ट गाना तो मेरे साथ में आप बोलना चाहिए हाँ बिल्कुल हिंदी होना चाहिए वो गाना सुन के हाँ वन टू हिंदी सॉन्ग हाय हाय वाह क्या बात है और ऋषि कपूर मैं हाँ हाँ संघर्ष को पकड़ो अरे क्राउड भी इकट्ठे हुए भाई ओए होए अभी मेरे साथ गाएंगे बिल्कुल किसी से प्यार किया किया कभी किसी को दिल दिया दिया मैंने भी दिया कोई बात नहीं अंकल जमेगा जमेगा अब आवाज दो La 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 la. चल चल आ गया। थोड़ा थोड़ा यहाँ आ थोड़ा यहाँ। मेरी उम्र के नौजवानों। La la la. चलो चले गए यार। दिल न लगाना ओ दीवानों। La 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 la. ओए होए। मेरी उम्र के नौजवानों। दिल लगाना ओ दीवानों मैंने प्यार करके चैन खोया नींद खोई झूठ तो कहते नहीं है लो कोई हर प्यार से बढ़कर नहीं है रो कोई चलता नहीं है दिल देख यारो इस दिल पे जोर कोई इस रोग का नहीं है इलाज दुनिया में और कोई करा लो ओ शांति ओ शांति शांति ओ शांति ओ शांति शांति ओ शांति शांति ओम शांति ओम शांति शांति ओम मैंने किसी को दिल देके कर ली रात खराब देखो मैंने किसी को दिल देके कर ली रात खराब देखो आया नहीं अभी तक उधर से आया नहीं अभी तक उधर से कोई जवाब देखो कोई जवाब वो हाँ कहेंगे तो खुद खुशी से मर जाओ
गाऊंगा मैं यारो, ओ हां कहेंगे तू भी खुशी से मर जाऊंगा मैं यारो, ओ बराबर ओ भाई भाई काम कर रहा है जरूर आएगा ये बहुत बड़े अंकल पीएमसी का मैं समय सेवक और हम स्पेशली उत्तराखंड से आए बहुत बढ़िया लगा और दिन में आप लोगों का टेंशन का कचरा निकलते हैं बिल्कुल ऑल माय आई लव यू बस इस चैनल के सभी मेरे यार को बिल्कुल अंकल का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा जाते जाते यही कहूंगा बिल्कुल अंकल इधर हां दो लाइन आपके लिए बिल्कुल तेरे जैसा यार कहां ऐसा ये सीधे बंद होता है क्या बाय हां डायरेक्ट बंद अच्छा तो बड़ा सेलिब्रिटी हो गया।